तो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर बैठक के दौरान मारपीट का आरोप है, जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक इस आरोप से इनकार कर रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर सोमवार शाम को बैठक में हुआ क्या था। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के विधायक नितिन त्यागी भी मौजूद थे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता अभिनव उपाध्याय ने नितिन त्यागी से पूरे मामले को जानने की कोशिश की। दिल्ली सरकार के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली के ही विधायकों पर मारपीट का आरोप लगाया है और चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ न सिर्फ पूरी आईएएस एसोसिएशन खड़ी हो गई है, बल्कि आईएएस अधिकारियों के अधीनस्थ काम करने वाले तमाम लोग भी अब आईएएस अधिकारियों के साथ में खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से आरोप सामने आया है बेहद ही गंभीर आरोप है। नितिन त्यागी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। दरअसल कल रात को 12 बजे एक मीटिंग थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर, जहां पर नितिन भाई भी मौजूद थे और भी कई सारे विधायक मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी साहब का कहना है कि उसी मीटिंग में मारपीट की है। क्या हुआ है नितिन भाई से जानते हैं। नितिन भाई, मीटिंग में थे आप, हुआ क्या, क्या कर डाला इस तरह का आरोप तो पहली बार आपके ऊपर लग रहा है? हाँ, सब कुछ बड़ा नया सा हो रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है देख के और सुन के, क्योंकि बात जो हुई थी वो कुछ उल्टा था इससे। बात एक तो 11 बजे की मीटिंग थी, 12 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब आए। 11 बजे भी कोई संसदीय वक्त तो हुआ नहीं ना। वक्त ना हो सही, पर काम तो हम लोग कर ही रहे हैं ना जनता के लिए, और जनता के लिए जब भी काम, जब भी जनता को जरूरत पड़े और काम करने के लिए करना पड़े, तो उन्हीं की मजबूरी थी कि वो इतनी लेट आना चाहते थे। हम तो जल्दी भी मिल सकते थे। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो पूछा जा रहा था कि पिछले महीने 2.5 लाख परिवारों को राशन नहीं मिला, सभी क्षेत्रों के बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, और हम पे बहुत प्रेशर है, हम तो जनप्रतिनिधि हैं। वो जरूर कह सकते हैं कि वो सिर्फ एलजी को जवाबदेही है उनकी, पर हम तो नहीं कह सकते, हमारी तो जनता को जवाबदेही है, सीएम साहब की जवाबदेही है जनता को, और मेरा मानना है कि एलजी साहब की और हर अधिकारी की भी जनता को जवाबदेही होती है। तो हम उनसे ये पूछ रहे थे कि ये राशन की क्या प्रॉब्लम आई और ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉर्ट होगी और कब तक सॉर्ट आउट होगी इसके बारे में। और हाँ, हो सकता है कि जो है सब लोग काफी थोड़े से एजिटेटेड थे, पूछ रहे थे, जिसमें अजय दत्त ने कहा कि उनकी दलित विधानसभा है जहां बहुत आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न परिवार नहीं रहते हैं, बहुत जो है आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वहां पर रहते हैं और वहां पर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने दलित नाम पे मजाक सा उड़ा दिया सीएस साहब ने, जिसपे कि प्रकाश ने भी बोला, तो उनको कुछ जाति सूचक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। एंड जब कहा हम लोगों ने, इंसिस्ट किया कि उनको जवाब देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा मेरी जवाबदेही नहीं है आपको, किसी एमएलए के प्रति जवाबदेही नहीं है। और क्या, अच्छा सीएम साहब को जवाब दो, बोलते मेरी जवाबदेही सिर्फ माननीय एलजी साहब को कहके, और ये बहुत गलत तरीके से उन्होंने कहा और कहके उठ के वो चल दिए। मैं उनके पीछे गया, मैंने उनको रोका कि सर आप रुकिए जरा सा, बात मीटिंग पूरी कीजिए, करके चलिए, उसका मेरे ख्याल से आपको फुटेज भी मिलेगा और उस फुटेज में आपको साफ दिखाई देगा अगर किसी के साथ मारपीट होती है तो इस तरीके से नहीं जाता। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मैं उनसे बात कर रहा था, बात करते हुए वो भी गए हैं और जो है ये तो फुटेज में आया है और वो रिलीज भी हो गया मेरे ख्याल से फुटेज, आप देखिए उसको। उसके बाद में आज सुबह पता चलता है कि हुआ कुछ था और आज वो इल्जाम लगा रहे हैं किसी दो विधायकों ने उनको मारा कुछ किया, ऐसे ही तो बहुत ही गलत है। तो फिर इतना बड़ा अधिकारी चीफ सेक्रेटरी को, मुझे पूरा साजिश लग रही है, पूरी साजिश है। आज उनके फेवर में बीजेपी वाले बड़ा फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं सब जगह पे, वो साफ नजर आ रहा है कि ये पहली सोची समझी साजिश है। वो मुझे लगता है घबराहट है, क्योंकि जाति सूचक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जनता का राशन जो जनता के साथ पहुंचना चाहिए उसकी जवाबदेही है, उस कामों को रोक रहे हैं और इसको राजनीतिक पहलू की तरह से उनको घेर के इन्होंने साजिश बना के इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि जैसे उनके ऊपर असॉल्ट हुआ है, जिसने धक्का मुक्की करी है। और ये बीजेपी वालों की आदत है इस तरीके के झूठे निराधार आरोप लगाने की और इस तरीके की बातों को फैलाने की। हम जो लड़ रहे हैं, हम जो आवाज उठा रहे हैं, हम जाते हैं एलजी साहब के पास जाते हैं, 5 घंटे धरना देते हैं वहां पे, वो तो हमारा तरीका है कि आप मोहल्ला क्लिनिक जनता को चाहिए और आप इसको पास कीजिए फाइल को, हम 5 घंटे धरना देते हैं। ये थोड़ी क्या माता पाई करते हैं वहां पे जाके। हम इनसे भी बात कर रहे थे, इनसे भी अगर राशन की बात कर रहे थे तो किसी एमएलए के यहां पे तो वो राशन नहीं आता, राशन तो जनता के लिए आता है और बहुत जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को राशन मिलता है, ये आप भी जानते हो। अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो ये जवाबदेही तो देनी पड़ेगी ना, राशन है ये हक है लोगों का। नहीं ठीक है, आप आपकी बात पहुंचाइए। ये जानना चाहता हूं कि यदि आप आरोप लगा रहे हैं साजिश का, कंधा मान लेता हूं मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को,
पीछे से गोली कौन चला रहा है, किस पे? बिल्कुल 100% किसी ना किसी के ये प्रेरित लग रहा है। कौन प्रेरित? मैं कैसे कह सकता हूँ प्रेरित? प्रेरणा तो वो किसी से वो लेके आया, मैं थोड़ी प्रेरणा लेके आया हूँ। वो बताएं कि किससे प्रेरणा लेके आए हैं। सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आप हमेशा से ही, आपकी पार्टी के तमाम विधायक भी दिल्ली की जनता की भलाई के लिए काम करते रहे। कल भी जो कुछ भी हुआ, जो मीटिंग चल रही थी रात को 11 बजे या 12 बजे, वो भी आप बता रहे हैं कि जनता के हितों के लिए हो रहा है। फिलहाल दिल्ली जहां खड़ी है, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के मंत्री और दिल्ली के अधिकारी, ये सब मिलकर काम करते हैं तब दिल्ली आगे की ओर बढ़ती है। अब आप क्या, आपकी कोशिश होगी, गलती किसी की हो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, क्या कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं जिससे जल्दी से जल्दी गतिरोध समाप्त हो सके? वर्तमान में गतिरोध सिर्फ विधायकों और आईएएस के बीच में नहीं है, जो उनके नीचे काम करने वाले वो भी हड़ताल किए बैठ रहे हैं। कुछ देर पहले आपके पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन के साथ सचिवालय में हाथापाई।